सोलन के माल रोड पर यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। कहने को तो माल रोड हॉट अवे जोन है, लेकिन यहाँ गाड़ियाँ बिना किसी डर के खड़ी रहती हैं, जैसे उन्हें पुलिस का या चलान होने का कोई भी डर ना हो। और ज्यादातर ये गाड़ियाँ घंटों माल रोड पर खड़ी रहती हैं और यातायात को बाधित करती हैं। ये गाड़ियाँ मुख्यतः मुरारी मार्केट, पंजाब नेशनल बैंक, पुराने रोजगार कार्यालय के समीप खड़ी की जाती हैं, जो अक्सर जाम का कारण बनती हैं। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि ये सब कुछ पुलिस कर्मियों के सामने होता है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई जाती है। सूत्रों की माने तो यहाँ पर कुछ रसूखदार कारोबार ऐसे हैं जो अपनी गाड़ियाँ और माल ढुलाई के वाहन सड़कों पर खड़े कर देते हैं, जिन्हें यातायात पुलिस भी नजरअंदाज कर देती है। यही कारण है कि उनको देखकर लोग भी अपने वाहन सड़कों पर खड़े कर देते हैं। इस बारे में स्थानीय लोगों ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि माल रोड हॉट अवे जोन है, लेकिन इसके बावजूद भी सबसे ज्यादा वाहन माल रोड पर ही खड़े देखने को मिलते हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण सोलन के माल रोड पर पार्किंग की उचित व्यवस्था नहीं है। अगर किसी ने घर का सामान खरीदना है तो वह कुछ देर के लिए वाहन माल रोड पर खड़ा करता है और तो उसका चलान हो जाता है, लेकिन कुछ लोग काफी समय तक वाहनों को सड़कों पर खड़े रखते हैं, जिन पर कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती है, और यही वाहन जाम की वजह बनते हैं। डीसी ऑफिस और ओल्ड बस स्टैंड, जहाँ पे इतनी ज़्यादा समस्या होती है पार्किंग की कि लोग कहीं दूर जाकर अपनी गाड़ी खड़ी करके माल रोड पे नहीं आ सकते सामान लेने, तो यदि वो दो मिनट के लिए गाड़ी से उतर के सामान भी ले रहे हैं तो भी या तो पुलिस रिकवरी वैन उनकी गाड़ी उठा के ले जा लेती है या फिर उनका चलान हो जाता है। लेकिन फिर भी लोगों की मजबूरी है कि लोगों को वहीं पर गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है। यही दरख्वास्त करता हूँ कि खासकर ओल्ड बस स्टैंड और अपना डीसी ऑफिस, जहाँ पे 1000-2000 गाड़ियों की पार्किंग निश्चित तौर पे होनी चाहिए। ये विडम्बना है सोलन की कि सोलन में जो है किसी भी तरह से जो है सुचारू रूप से जो है पार्किंग फैसिलिटी नहीं है। कांग्रेस सरकार ने यहाँ पर बस स्टैंड के पास में काफ़ी 500 पार्किंग के लिए प्रपोजल दिया था आर्मी से, और वो काफ़ी हद तक पूरा भी हो चुका था, पर अभी उस पर कोई अमल में नहीं लाया जा रहा है। तो जब तक ये पार्किंग की समस्या सोलन में दूर नहीं रहेगी, ये इस तरह की समस्या तो नजर आएगी सर। पूरे शहर में पार्किंग की इतनी दिक्कत है कि लोगों जहाँ भी जगह दिखती है वहीं खड़ी कर देते हैं, ठोडो के पास, हॉस्पिटल के पास, डिस ऑफिस के पास। यहाँ पे पार्किंग का कुछ हल करना चाहिए। सरकारें बहुत आई हिमाचल में, बीजेपी की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, मगर पार्किंग की सुविधा पूरी नहीं हो सकी।